नमस्कार प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्रीधर। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। सीरिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भारत चिंतित, यूएनएससी में संप्रभुता और अखंडता पर बनाए रखने का रहा फोकस। नए नोटों पर नेताजी की तस्वीर के लिए सुभाष चंद्र बोस के पर पोते चंद्र कुमार बोस ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। नितिन गडकरी का बयान, कहा निर्माताओं को 100% बायोएथनॉल चलने वाले इंजन बनाने का कहा जाएगा। पराग अग्रवाल बने ट्विटर ने नसीओ, दक्षिण अफ्रीका की मदद के लिए तैयार भारत। देश में दाखिल हो चुकी है ओमिक्रॉन, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के बयान से आशंका। बेंगलुरु आए में 2 में से 1 का नमूना डेल्टा वेरिएंट से अलग। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त कदम, 15 न्यायिक अधिकारियों पर गिरी गाज, 10 को समय से पहले सेवानिवृत्त। जम्मू कश्मीर में कम हुए आतंकवादी हमले, 35 जवान हुए शहीद। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बड़ा बयान। ट्विटर की बागडोर पर आग के साथ एलन मस्क ने कहा, अमेरिका को मिल रहा भारतीय टैलेंट का लाभ। अफ्रीका की मदद करेगा भारत, भेजी जाएगी कोरोना वैक्सीन समेत जरूरी दवाओं की खेप। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी का भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पर हमला, कहा माफ नहीं करेगा निषाद पार्टी। बिहार में एनडीए ने लिया शराबबंदी का संकल्प, बाहर विरोध करने वालों ने भी समर्थन में उठाया हाथ। डूडा अध्यक्ष की अपील, प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, अब हट छोड़े किसान प्रदर्शनकारी। नवजोत सिंह सिद्धू का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। हरियाणा के सीएम से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, बोले किसान आंदोलन 4 दिसंबर को हो जाएगा खत्म। आजाद बोले 370 पर बोलना व्यर्थ, उमर को लगी मिर्ची, कहा अकेले दम पर लड़ाई लड़ेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दिसंबर अंत तक शुरू हो जाएगा यातायात, सीएम योगी आदित्यनाथ देखेगा प्रेजेंटेशन। नरेश टिकैत ने कहा, कृषि कानून वापसी की मुहर लगने से सरकार और किसान के बीच नजदीकियां बढ़ी। सपा मुखिया अखिलेश यादव बोले, यूपी में सरकार बनने पर मृत 700 किसान के परिवारों को देंगे मदद। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा, लाइट कैमरा एक्शन पर चलेगी योगी सरकार। किसानों का हित, भाजपा सरकार में ही सुरक्षित, सहारनपुर में ट्रैक्टर रैली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कही ये बात।
अलीगढ़ में युवक का शव सड़क पर मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक संपन्न, चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में चली बैठक। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर, ई रिक्शा सवार एक अधेड़ की मौत, बोलेरो की टक्कर से अधेड़ की मौत। में मंडल प्रवास योजना बैठक का आयोजन, बैठक में पहुंचे उत्तर प्रदेश सहकारिता मंत्री। मिर्जापुर में जब बंधक बना चोर, बस अड्डे पर करता था चोरी। संबल में पेठा फैक्ट्रियों पर खाद्य विभाग ने चलाया डंडा, फैक्ट्रियों के लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित। सोनभद्र में यातायात सुरक्षा को लेकर रैली का आयोजन, रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक, छात्रों ने यातायात सुरक्षा पर लगाए नारे। इटावा में औचक निरीक्षण पर पहुंचे एसएसपी, ओवरलोड ट्रकों की शिकायत पर पहुंचे एसएसपी। फरुखाबाद में छात्र का हुआ अपहरण, अपहरण के बाद छात्र को झाड़ियों में फेंका। गोरखपुर में प्रेमिका की बहन की हुई हत्या, प्रेमी ने मारा चाकू। लखीमपुर खीरी में गन्ना समिति प्रांगण में किसानों ने लगाया ताला, बजाज मिल प्रबंधक के लिए जताया विरोध। संबल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। सोनभद्र में लकड़ियों से बना हम्यूरपुर ब्लॉक का पुल, लकड़ियों के पुल पर चलने को मजबूर है लोग। आगरा में व्यापारी के घर हुई लाखों की चोरी, व्यापारी ने दर्ज कराई शिकायत। महोबा में अखिलेश यादव का बुंदेलखंड दौरा, दौरे को लेकर जोरों से चल रही है तैयारी। शहर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा बजाकर किया स्वागत, पूर्व चौराहे पर केंद्रीय मंत्री का स्वागत। चंदौली में बाइक और गाड़ी में हुई जोरदार टक्कर, बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, गाड़ी छोड़कर चालक मौके से हुआ फरार। फतेहपुर में डीजे में डांस करने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, जमकर बरसी एक दूसरे पर कुर्सियां, मारपीट में कई लोग हुए घायल। कानपुर पिस्तौल से की गई फायरिंग, वीडियो वायरल, दबंग अपराधियों द्वारा डीजे पर डांस करते हुए फायरिंग, फायरिंग को लेकर मना करना पड़ा भारी। खीरी में गारमेंट्स की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फरुखाबाद में मध्य प्रदेश अपहृत छात्र को हाईवे पर फेंका, जनपद भिंड के अपहरण कार लाए छात्र।
रायबरेली में चलती गाड़ी में अचानक लगी आग, आग लगने से मची अफरा तफरी, ड्रामा के ड्रमों के पानी से आग पर पाया काबू। बसपा मुखिया मायावती का भाजपा पर बड़ा आरोप, बोली अल्पसंख्यकों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं फर्जी केस। पावर ग्रिड को शॉर्ट सर्किट से बचाएगी आईआईटी की तकनीक, बिजली कंपनियों में शामिल हो सकता है प्रोटोटाइप। बंगाल और लखनऊ में बरामद किए गए 101 गायब मोबाइल, सर्विस लान टीम ने गिरोह के सदस्यों को दबोचा। चमोली में आपके रोड शो में दिखा विधानसभा चुनावों का दमखम, नेता कर्नल अजय ने मैदान में जनसभा को किया संबोधित। कालाडूंडी में हाथियों के आतंक से दहशत, लोगों के घरों पर किया हमला। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने कलियर के लिए दर्शन, पत्रकार उमेश कुमार और परिजन रहे मौजूद। विकासनगर में विधायक ने किया नाव घाट पुल का उद्घाटन, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य बनेगा ये पुल। रुड़की में कार चलाकर मंडप पहुंची, दुल्हन के अंदाज को देखकर सभी रह गए दंग। बलराज पासी की रैली को लेकर विधायक चीमा ने बोला हमला, कहा दरार डालने की कोशिश कर रहे लोग। एनसीसी डे पर सीएम धामी को याद आया बचपन, बोले मैं भी रहा हूँ एनसीसी का हिस्सा, सैनिकों के बीच हुआ हूँ बड़ा। सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड को किया भांग, पूरी हुई तीर्थव्रतों के लंबे समय से चल रही मांग। उत्तराखंड में पर्यटकों को नहीं होगी कोई दिक्कत, सुविधा को जल्द तैयार होगा गाइडेंस। उत्तराखंड के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के वीसी के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, उच्च शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत बोले उत्तराखंड में आयुष की अपार संभावनाएं, युवाओं को भी मिलेगा रोजगार। आसान होगी आदि कैलाश तक श्रद्धालुओं की पहुंच, 11,000 फीट की ऊंचाई पर रोड बना रहे बीआरओ के जवान। रुद्रपुर की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाए कदम, ऑनलाइन से चटका अचार का कारोबार। दिसंबर से शुरू होगा मुन्यस्यारी महोत्सव, महोत्सव में दिखेगी लोक संस्कृति। भीमताल ब्लॉक प्रमुख और भवाली पालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस में की वापसी, पहाड़ में चढ़ा रहा सियासी पारा। अफगानिस्तान की सरकार चलाने में तालिबान के छोटे पसीने, मांगी यूरोपियन यूनियन की मदद। ओमिक्रॉन पर जानकारी जुटाने में लगेंगे 2 हफ्ते, बूस्टर शॉट जरूरी, डॉक्टर फासी ने दिया ये बयान।
इमरान खान ने माना पाकिस्तान में नहीं है कानून का राज, संसाधनों पर खास लोगों का कब्जा। स्वीडन की पहली महिला पीएम एंडरसन एक हफ्ते में दूसरी बार चुनी गई प्रधानमंत्री। क्षेत्र के चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने उठाया एक बड़ा कदम, अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ग्रेटर कोऑपरेशन बनाने का किया फैसला। पाकिस्तान में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप, पिछले 24 घंटे में 74 नए मामलों के साथ 2 लोगों की मौत। अफगानिस्तान को गेहूं और दवाएं भेजने में पाकिस्तान ने लगाई शर्त, कहा वाघा भी सीमा से पाकिस्तान वाहनों में भेजे जाएं गेहूं और दवाएं। ब्रिटेन के एशियाई अमीरों की सूची में हिंदुजा फिर शीर्ष पर, कोरोना महामारी का नहीं हुआ है कोई असर। के लिए चीन ने बनाई नई रणनीति, अग्रिम मोर्चे के लिए 3 लाख और सैनिकों को करेगा भर्ती। ओमिक्रॉन से पीड़ित लोगों में मर्ज के बहुत हल्के लक्षण, दक्षिण अफ्रीका की चर्चित डॉक्टर को एचसी का दावा। लोन देने के लिए एसबीआई और कैपरी ग्लोबल कैपिटल ने की साझेदारी। एलआईसी कोटक महिंद्रा में बढ़ाएगी अपनी हिस्सेदारी, आरबीआई से मिली मंजूरी। आने से पहले एलआईसी प्राइवेट बैंक में बढ़ाएगी हिस्सेदारी, साल के लिए रहेगा स्टेक। प्रत्यक्ष कर संग्रह में प्रतिशत आया उछाल, चालू वित्त वर्ष में 23 नवंबर तक 6.92 लाख करोड़ रुपए का रहा आंकड़ा। बिटकॉइन पर वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण का बड़ा बयान, कहा देशों में क्रिप्टो करेंसी को नहीं देंगे मुद्रा की मान्यता। एसबीआई के बाद एक और सरकारी बैंक पर भारी जुर्माना, आरबीआई ने यह जुर्माना आरबीआई के कुछ नियमन के उल्लंघन पर की गई है ये बड़ी कार्रवाई। रिजर्व बैंक के कब्जे में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल का बोर्ड खारिज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्णिधि बने नए प्रशासक। सरकार ने डीए कैलकुलेशन में किया बदलाव, बेस ईयर 2016-100 के साथ वे ट्रेड इंडेक्स की नई सीरीज आधार के साथ बदल देगी पुरानी सीरीज। रेटिंग का अनुमान वित्त वर्ष 2021-22 में 9.4% रहेगी देश की जीडीपी ग्रेथ रेट। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के यूजर्स को झटका, अब ग्राहकों को चुकाने होंगे ज्यादा पैसे, 1 दिसंबर से ईएमआई ट्रांजैक्शन करना होगा महंगा। अश्विन ने तोड़ा हरभजन सिंह का रिकॉर्ड, कोच राहुल ने द्रविड़ से कहा मुझे लगता है कि ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि। आरसीबी ने किया सभी को हैरान, विराट कोहली के अलावा ग्लेन मैक्सवेल का रिटेन होगा तय। में 5 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी राहुल तेवतिया ने की शादी, शाही अंदाज निकाली बारात।
एल राहुल बनेंगे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, राशिद खान को मिलेगी दुगनी रकम। केएल राहुल राशिद खान मुश्किल में फंसे, पीबीकेएस के एसआरएच ने की बीसीसीआई की शिकायत। शार्दुल ठाकुर की सगाई में रोहित शर्मा भी पहुंचे, अनोखे अंदाज में दी बधाई। विराट कोहली किसकी जगह दूसरे टेस्ट में खेलेंगे, प्लेइंग 11 में किसे जगह मिलेगी इस पर फैसला टीम मैनेजमेंट करेगी फैसला। अजय राणे ने दिया ये बयान। नए कोरोना वेरिएंट का वर्ल्ड कप पर असर, लीग मैच हुए स्थगित, यूएई के ओमान की स्वदेशी वापसी। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल, सात्विक चिराग की पहली भारतीय पुरुष जोड़ी ने किया क्वालिफाई। रणवीर सिंह की 83 का ट्रेलर रिलीज, कपिल देव ने लिखी मेरी टीम की कहानी। अयान मुखर्जी ने शेयर की ब्रह्मास की शूटिंग की 5 तस्वीरें, तीसरी लीक हुआ रणवीर कपूर के पौराणिक किरदार का लुक। राधे श्याम का नया गाना आज की आ गई इस दिन होगा रिलीज, देखी प्रभास और पूजा हेगड़े के रोमांटिक केमिस्ट्री। पुलिस की शरण में कंगना, खुद पर दर्जनों मामले बनने के बाद कंगना ने जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट पारित, 32 लाख रुपए के चेक बाउंस होने का मामला, कोर्ट ने कहा 4 दिसंबर को कोई पेश हो। ट्रिपल आर का ट्रेलर 3 दिसंबर को होगा रिलीज, मेकर्स धमाके के लिए रहे तैयार। के सॉन्ग लंच, शरारा पहन पहुंची सारा अली खान, लॉन्चिंग में जमकर लगाए ठुमके। अनुपमा की सौतन काव्या ने वेस्टर्न लुक से बढ़ाया इंटरनेट का पारा, लोग बोले वनराज क्या बोलेगा। रानी की प्रेम कहानी का बीटीएस वीडियो वायरल, रणवीर आलिया की फिल्म के लिए करना होगा इंतजार। रेणुका पवार के नए गाने जाऊंगी पानी लेने ने मचाया धमाल, पवार के गाने को जमकर देख रहे हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने सात फेरे फिर हुए पोस्टपोन, दिसंबर 2022 में होगी दोनों की शादी।